हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 51 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। सेक्शन 51 हमें बताता है इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल। अगर किसी बोनाफाइड होल्डर ने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर दिए हैं डिफेक्टिव टाइटल्स के अंदर, तो क्या उन लोगों का वो किस चीज़ के लिए लाइबल होते हैं, ये बताता है सेक्शन 51 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसे हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं ताकि हमें ये पूरा सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों ने ये इलस्ट्रेशन समझ लिया तो बेयर एक्ट में जो लिखा हुआ है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, ए सेल्स प्रॉपर्टी टू बी। ए ने कोई प्रॉपर्टी जो है वो बी को सेल करी। ए जो है वो रियल ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का। ए के पास उस प्रॉपर्टी का जो है वो डिफेक्टिव टाइटल है। अब ये बात बी को तो पता नहीं है, तो उसने प्रॉपर्टी बी को सेल कर दी। अब जब बी को पता नहीं है, बी को यही पता है कि भाई जिसने प्रॉपर्टी सेल करी है, यानी ए ने प्रॉपर्टी सेल करी है, तो ए ही उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है। अब क्या करता है कि वो उस प्रॉपर्टी पर इम्प्रूवमेंट कर देता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि मान लो ए ने उसको दो फ्लोर की प्रॉपर्टी बेची थी, इम्प्रूवमेंट करी उसने उस प्रॉपर्टी में और उस प्रॉपर्टी को तीन फ्लोर की कर दिया, ये इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो बी थिंक्स ए इज़ द रियल ओनर। बी ने सोचा कि ए रियल ओनर है, उसने मतलब वो तो गुड फेथ में ही काम कर रहा है। बी जो है वो तो बोनाफाइडली काम कर रहा है ना, वो तो गुड फेथ में काम कर रहा है। उसे नहीं पता है कि ए जो है वो रियल ओनर नहीं है और ए के पास डिफेक्टिव टाइटल है, तो बी इम्प्रूवमेंट कर देता है। अब एक दिन सडनली सी पिक्चर में आते हैं। सी कौन है? सी रियल ओनर है उस प्रॉपर्टी के। ठीक है, अब क्या क्या होता है इसमें, बी को वो इविक्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी से। इविक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, कि तुम ये प्रॉपर्टी छोड़कर जाओ, ये प्रॉपर्टी ए की नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये जो इविक्ट वर्ड मैंने यूज़ किया है ये आपको आपकी बेयर एक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सी ने ऐसा किया तो बी उससे पूछता है कि मुझे तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थी और मैंने तो गुड फेथ में ही काम किया है। तो अब यहाँ पर क्या सी जो है, सी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है बी की तरफ? क्या वो सीधे उठा करके बी को घर से बाहर फेंक देगा, और जो बी ने सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं उसका क्या? तो ऐसे में सेक्शन 51 कम्स इन टू रोल। सेक्शन 51 कहता है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है और जो ट्रांसफरी है उसने गुड फेथ में काम किया, यहाँ पर ट्रांसफरी कौन है? बी। ट्रांसफरी ने गुड फेथ में काम किया, उसे नहीं पता था कि ए के पास जो है डिफेक्टिव टाइटल है प्रॉपर्टी का, और उसने उससे प्रॉपर्टी खरीद ली। अब सी जो रियल ओनर है प्रॉपर्टी का, उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो या तो एस्टिमेटेड अमाउंट पे करे इम्प्रूवमेंट का। एस्टिमेटेड अमाउंट इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है, कि दो माले की प्रॉपर्टी थी, बी ने उसको तीन माले की किया, तो जो एक माला बनाने में, एक फ्लोर बनाने में जितना पैसा बी को लगा है उतना पैसा सी उसको पे कर दे। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि जो इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, यानी जितना जितना पोर्शन उसने बनवाया, जितना पोर्शन बी ने बनवाया है उस प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी उतना उतना पार्ट सी जो है वो बी को सेल कर दे। यानी कि उसने तीसरा फ्लोर बनवाया तो तीसरा फ्लोर जो है वो बी को सेल कर दे। दो चीज़ें हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो सी को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सी इस चीज़ के लिए लायबल होगा। जस्ट बिकॉज इसमें बी की कोई भी गलती नहीं है, बी जो है वो गुड फेथ में अच्छे मन से काम कर रहा था, उसे नहीं पता था, उसे कोई भी नॉलेज नहीं थी कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ए की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि वो सी की प्रॉपर्टी है। मूविंग फर्दर कुछ केस लॉ समझ लेते हैं सेक्शन के रिगार्डिंग। सबसे पहला केस लॉ है दास बंसीलाल राठौर वर्सेज सुमेरलाल सूरजमल गांधी। ये 1973 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि ट्रांसफरी के पास नोटिस थी कि जो ट्रांसफरर है वो उसके पास उस प्रॉपर्टी का डिफेक्टिव टाइटल है। तो अगर ट्रांसफरी को नॉलेज है इस बात की कि वो जो टाइटल है वो डिफेक्टिव टाइटल है, और उसके बाद भी अगर वो इम्प्रूवमेंट कर देता है उस प्रॉपर्टी पर, तो ट्रांसफरी इस चीज़ के लिए खुद ज़िम्मेदार होगा, इसके लिए रियल ओनर ज़िम्मेदार नहीं होगा, यानी कि रियल ओनर उसको कुछ भी कंपनसेट नहीं करेगा।
दूसरा केस है हरिलाल रणछोड़ वर्सेस गोवर्धन केशव, ये 1927 का केस है। इस केस में क्या होता है कि एक गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी सेल कर देता है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली माइनर का सारा कुछ गार्जियन देखता है, तो वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है। जब माइनर मेजॉरिटी अटेन करता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी कोर्ट से डिमांड करता है। तो अब क्या इस केस में माइनर को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी? बिल्कुल, प्रॉपर्टी उसको वापस मिलेगी। जब उसने मेजॉरिटी अटेन की है तो उसको प्रॉपर्टी वापस मिलेगी, लेकिन जिसको गार्जियन ने वो प्रॉपर्टी सेल करी थी यानी कि जो ट्रांसफरी था, उसको एज पर सेक्शन 51 माइनर को, जो माइनर जो अब मेजॉरिटी जिसने अटेन कर ली है, उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो किसी तरीके से उसे कंपनसेट करेगा, या तो भाई वो अपनी प्रॉपर्टी में जितना उसने जो भी कुछ किया है वो इंटरेस्ट उसको दे दे, मतलब वो प्रॉपर्टी उतनी प्रॉपर्टी उस ट्रांसफरी को सेल कर दे, या फिर कुछ भी जो अमाउंट है, जो उस वक्त अमाउंट मार्केट वैल्यू चल रहा है उस चीज़ का, कुछ अमाउंट उसको दे दे। क्यों क्यों वो ऐसा करेगा? क्योंकि ट्रांसफरी ने गुड फेथ में वर्क किया है, और उसे नहीं पता था, ट्रांसफरी को नहीं पता था कि ये जो प्रॉपर्टी है, जिस वक्त उसने प्रॉपर्टी ली, ये प्रॉपर्टी जो है माइनर के नाम पर है। एक लास्ट केस देख लेते हैं, गंगा दीन वर्सेस जगन, ये 1914 का केस है। इसमें ये ट्रेसपास का केस था, यानी कि अगर कोई भी इंसान आपकी प्रॉपर्टी में घुस करके, ट्रेसपास करके आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ, मान लो जैसे कोई क्रॉप्स वगैरह उगाने लगता है, ठीक है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी में कुछ उसने फ्लोर बनवा दिया, जैसा कि सेक्शन 51 में बताया गया, कोई इम्प्रूवमेंट तरीके की करा दी गई, तो ऐसे केस में सेक्शन 51 एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जो रियल ओनर है उसे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह ना कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा और ना ही उसे अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस सेक्शन में एक और कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चरल लैंड का। एग्रीकल्चरल लैंड का क्या मतलब हुआ कि अभी तक तो हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि कोई घर है, मान लो घर पे एक माला दो माला चढ़ा दिया तो उस हिसाब से हम कंपनसेट कर रहे थे, लेकिन अगर एग्रीकल्चरल लैंड है और अगर ट्रांसफरी उस पे जो है अपना एग्रीकल्चर का काम शुरू करना, मतलब बोआना होना चालू कर देता है, तब क्या होता है, तब उसको किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाएगा, ये भी बताया गया है इस सेक्शन में। तो हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं जो अभी हमने पहले देखा था। एग्जाम्पल वही सेम है कि मान लो कि ए ने बी को कोई अपनी एग्रीकल्चरल लैंड दी। अब बी को तो नहीं पता है कि वो लैंड जो है वो ए की है ही नहीं, वो किसी दूसरे ही व्यक्ति की है, तो वो अपना भाई बोनाफाइड इंटेंशन से वो काम करने लगता है उसमें, उसने उगा दिए सारे क्रॉप्स वगैरह उगा दिए, उसको इरिगेशन वगैरह वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सडनली सी आता है और बोलता है कि अब तुम मेरी लैंड से इविक्ट हो जाओ, मतलब वो लैंड से इविक्ट होने की बात वहाँ पर करता है। तो अब क्या जो उसने क्रॉप्स वगैरह उगाए हैं उसका कोई मतलब नहीं है, तो अब उसे इस उसके इंटरेस्ट को, बी के इंटरेस्ट को, ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? उसमें ऐसे प्रोटेक्ट किया जाएगा कि जब तक उसमें फसल लगी हुई है, यानी कि जब तक क्रॉप्स लगी हुई हैं, तब तक जो उसका रियल ओनर है यानी कि जो सी है, वो उसको इविक्ट नहीं करा सकता, जाने के लिए नहीं कह सकता है, ठीक है। फसल कटने के बाद यानी कि जो उसने फसल लगाई है, मतलब जो उसने मेहनत करी है उस लैंड पे, वो पूरी लैंड की मेहनत वो अपने साथ लेकर के जाएगा। फसल कटने के बाद वो अपना पूरा जो मार्केट प्राइस में उसको बेच देगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब तक फसल लगी हुई है तब तक जो है रियल ओनर ट्रांसफरी को नहीं निकाल सकता है, इविक्ट नहीं करा सकता है। फसल कटने के बाद वो उसको निकाल सकता है, वो खुद वहां से चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो इस सेक्शन में बचा हुआ था। आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।